मंदिर से ऐलान कर बारात चढ़ाने से किया मना। विरोध करने पर दलितों से जाटों ने की मारपीट। यूपी के मेरठ में दलितों की बारात पर जातिवादियों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र के गांव में दलित समाज की बारात के साथ जाट समाज के लोगों ने मारपीट कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि मंदिर से बाकायदा अनाउंसमेंट कर बारातियों को धमकी दी गई। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक जलालपुर गांव में गुरुवार को दोराला के गांव से बारात आई थी। आरोप है कि गांव के एक जाट युवक ने बाराती को टक्कर मार दी। विरोध करने पर आरोपी ने अपने एक दर्जन साथियों को बुलाकर बारातियों से मारपीट कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने मंदिर से अनाउंसमेंट कर बारात चढ़ाने पर जान से मारने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। वहीं दैनिक भास्कर ने अनार सिंह नाम के पीड़ित के हवाले से छापा है। हमारे घर लड़की की शादी थी और बारात आई थी, लेकिन जैसे ही बारात थोड़ी दूर पहुंची, जाटों के एक लड़के जिसने शराब पी रखी थी उसने बाइक से बारातियों को टक्कर मार दी। जब बारातियों ने कहा कि आराम से बाइक चलाओ तो उसने कहा कि थप्पड़ मारूंगा। उसके बाद बारातियों और उनमें आपस में मारपीट हो गई। जब तक हम पहुंचे तब तक वहां जाटों के और लड़के आ गए। शाम के वक्त उन्होंने मंदिर से अनाउंसमेंट किया कि तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। वहीं सूचना पाकर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया है। दोनों पक्षों को समझाकर फिलहाल मामला शांत करा दिया गया है, लेकिन दलित समाज के लोग शुक्रवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। मेरठ पुलिस ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने पर दो पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसे अन्य लोगों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। दोनों पक्षों द्वारा कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गई है। प्रकरण में वार्ता कर निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सभी तरह के आरोपों से इनकार कर रही है, जबकि दलित समाज के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यूं तो हमारा देश चांद और मंगल ग्रह तक जा पहुंचा है, लेकिन आज भी कुछ लोग जात पात से ऊपर नहीं उठ पाते। ऐसे लोगों के लिए जाति के हिसाब से ही लोगों की हैसियत तय होती है, इसलिए जातिवाद करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसा करने से पहले कई बार सोचे। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।